युवराज यहाँ? विजय ये अकेला नहीं है, इसके साथ कोई मिला हुआ है, पर कौन ये पता नहीं चला। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे धोखा देगा? तेरी इतनी हिम्मत? जानता है मैं कौन हूँ? शाह हूँ मैं, शाह। एक झटके में तेरा नामो निशान मिटा सकता हूँ मैं। अबे क्या बोले जा रहा है? मैंने कौन सा धोखा दिया तुम्हें? जैसा तुमने कहा था वैसे ही किया मैंने। अच्छा तूने नहीं दी धमकी? मैं पागल हूँ जो यहाँ आया हूँ। इतनी मेहनत से उस बुढ़िया को पटाया था मैंने, उस मन्नू को रास्ते से हटाया था। एक एक करके उन सबको गाँव से निकाल देना है मैंने। ये सब कर सकता हूँ मैं, सब। और तू मेरे नाम पंगा ले रहा है? अरे राम, ये बोरिया और ये बिद्दी यहाँ भी पहुँच गए। युवराज को जो चिट्ठी आई थी कहीं हो? अरे पापा, वो चिट्ठी मनवा तो नहीं भिजवाया है? ये चिट्ठी तूने नहीं भेजी थी? ये मैंने नहीं भेजा यार, मैं क्यों भेजूंगा? तुम्हारा मेरा हिसाब तो बराबर हो गया था ना। तो तेरे नाम से कैसे आई? अच्छा, एक चोर को सारे चोर ही नजर आते हैं बच्चे। चले निकल यहाँ से, वरना तेरी जीत का सच मैं खुद जाकर सबको बता दूंगा और फिर तुझे इस पिंड से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। पवनियों का शाह तो क्या, तू इस पिंड में रहने लायक भी नहीं बचेगा। चोर बोलेगा मुझे? चोर हूँ मैं, हाँ चोर हूँ। शाह हूँ मैं, शाह। उस बुड्ढी ने शाह बनाया है मेनू, शाह। उसके पिंडों को धूल चढ़ाई है मैंने, और तू चोर बोल रहा है मेनू? आज ही तेरा फैसला करता हूँ। कल उस मन्नू को भी रास्ते से हटा लूंगा हमेशा के लिए। उसकी बहनों को तो मैं सड़क पर ला दूंगा, और उस बुढ़िया से भीखना मंगवाई ना मैंने रास्ते पे, तो मेरा नाम भी युवराज नहीं। एक गलती तो उस बुढ़िया ने की और एक तूने। युवराज! बिल्ली की रोने की आवाज, ये तो अब शकुन की निशानी है। मैंने गलती की तुझ पे भरोसा करके, ये है तेरी असलियत है? एक पवनिया होके ऐसा घिनौना काम? तू नहीं है मेरा वारिस, तू तो एक गंदी गली का आवारा कुत्ता है। मम्मी आप परेशान लग रही है, क्या हुआ? पता नहीं मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने कह तो दिया है कि हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद बीजी का ख्याल कौन रखेगा? वो तो बेचारी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मम्मी बीजी ने भी तो आपके साथ वो रोकना चाहती थी। सच बोलूं तो मेरा भी दिल नहीं है जाने का, क्योंकि मैं उनको जगन के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। उनका कौन ख्याल रखेगा यहाँ पर? हालात ऐसे हो गए कि हम रुक नहीं सकते। एक बार मनु आ जाए फिर हम चले जाएंगे। सिमी तुझे पता है कि बीजी और मनु कहाँ गए हैं? बीजी, बीजी, आराम से बीजी। बीजी आप ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तुझे मनु कहूँ या प्रीत, जी आप मुझे चाहे जो भी कहिए, लेकिन अगर मैं आपके मुंह से एक बार प्रीत सुनूं तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी प्रीत, मेरा बच्चा, मुझे छड़ के ना जा पुत्र। बैठ मेरे पास, देख लूं तुझे जी भर के, जी भर के देख लूं तुझे। बीजी, सब में आपकी कोई गलती नहीं है, बस उस शिवराज को पहचानने में गलती हुई है बीजी। गलती हुई, मुझसे गलती हुई है, उसको पहचानने में नहीं, तुझे पहचानने में गलती हो गई। तेरी माँ सही कहती थी, 1000 लड़कों के बराबर है मेरी लड़की, बोलती थी। तू तो लाखों में एक है मेरा बच्चा, लाखों में, लाखों से भी बढ़ के है मेरी प्रीत। मेरे घर की शाह बनेगी एक लड़की, और वो तू है प्रीत, तू तू शाह बनेगी मेरी वारिस। मैनू माफ कर दे, माफ कर दे। नहीं, तेरे हिस्से में लिख दी मैंने उम्मीदों से भरी सदियां, तू ही है मेरी वारिस। लाडली बीजी का कपड़ा, बीजी, 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 डरती नहीं हूं मैं। चरण जैसा शेर पुत्र पैदा किया है मैंने, तुझे क्या लगता है डर गई मैं तेरे से? सारे पिंड को तेरी असलियत बताऊंगी, समझी? मन्नू बनेगा मेरा शाह। मनु आ रहा है, उसने हमको यहाँ नहीं ना देखना चाहिए, पूरा भांडा फूट जाएगा। चलो चलो मन्नू, 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 मन्नू कहाँ रह गया था तू? बीजी कहाँ है? मम्मी, बीजी कौन है ये? जी, मैंने शिवराज की सच्चाई पता चली, उसके साथ कोई है, पर कौन? हम अपना प्लान कामयाब करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी।